फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो 3 दिन पूर्व सूची निकली है, लिस्ट आई है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, धांधली हुई है। हमारा उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से रिक्वेस्ट है कि वो इसका संज्ञान लें और इस लिस्ट को निरस्त करें, ताकि मेरिट के आधार पर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस लिस्ट को निकाला जाए, वरना युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता को सड़क पर आकर के आंदोलन करना पड़ेगा। और युवा मोर्चा का इतिहास रहा है कि जब भी युवाओं के साथ गलत हुआ है तो युवा मोर्चा ने उस लड़ाई को सड़क से लेकर के अदालत तक लड़ी है, और हम लोग आगे भी इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ेंगे, अदालत में भी लड़ेंगे, परंतु युवाओं के साथ खड़े रहेंगे, और जब तक ये सूची निरस्त नहीं हो जाती तब तक बैठेंगे नहीं। और इस सूची में मेरिट के आधार पर निर्णय होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, ऐसा हमारा कड़ा संदेश है।